हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये टॉपिक पे होगा कि गर्मियों की सीज़न में हमारे पौधे मरते क्यों हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये मैसेज आता है मुझे इंस्टाग्राम पे, किसी के मोगरा ख़राब है, किसी के प्लूमेरिया ख़राब है, किसी के जो डबल चांदनी के प्लांट है वो ख़राब है, किसी के हाइबिस्कस ख़राब है। तो ये सारी दिक्कतें क्यों आती है हमारे प्लांट्स पे, ताकि हमें आइडिया आ सके कि हम अपने प्लांट्स को कैसे सही कर सके, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। तो टिपिकली फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही टॉपिक पे होगी कि समर सीज़न में हमारे प्लांट्स के ऊपर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली टिप ये रहेगी, क्योंकि एक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था मोगरा से रिलेटेड, कि मोगरा के लीव्स ब्राउन हो रहे हैं, डार्क ब्राउन हो रहे हैं और लीव्स डाउन हो रहे हैं। प्लांट पहले बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ किया तो ये प्लांट डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी ऐसी गलती ना करें। तो अभी जैसे कि फ्रेंड्स, टेम्परेचर आप सभी के यहाँ होगा 40 डिग्रीज के आसपास, तो इतने गर्म टेम्परेचर में आप अपने प्लांट को रिपॉट मत कीजिए। या तो आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास की जो मिट्टी है वो हटा के फिर से उसको कॉम्पोस्ट वगैरह डालने की कोशिश मत कीजिए। ये जो अगर आप चीज़ करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, सारे लीव्स बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लांट के लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि आपका प्लांट मर भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फरवरी के महीने में करनी होती है। मई महीने में जो टेम्परेचर बहुत गर्म होता है तब हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अब दूसरी जो गलती फ्रेंड्स बहुत सारे लोग करते हैं प्लांट को डायग्नाइज करने में, जी हाँ फ्रेंड्स, प्लांट को आप समझने की कोशिश करिए, प्लांट के अंदर क्या तकलीफ़ है वो आप डायग्नाइज करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पॉइंट में, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। गर्मियों की सीज़न में फ्रेंड्स हम अपने प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह वाटरिंग करते हैं। अच्छी तरह वाटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट की सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन होना ज़रूरी है। तो ये जो मॉइस्चर जब मेंटेन होता है, जब ओवर वाटरिंग हमारे प्लांट्स के अंदर हो जाती है, तो प्लांट्स के अंदर एक सबसे पहली जो दिक्कत आपको देखने को मिलेगी वो है लीव्स के लाइट ग्रीन कलर का होना। जब आपके प्लांट के लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होना स्टार्ट हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कोई भी दूसरी चीज़ मत करिए, सॉइल हटाइए, कॉम्पोस्ट डालिए, ये करिए, वो सब चीज़ें मत करिए। सीधा ट्रीटमेंट आपको करना है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन आप हफ्ते हफ्ते में एक बार करिए, जब तक आपके प्लांट के लीव्स फिर से ग्रीन निकलना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है अगर आप अपने प्लांट के ऊपर लाइट ग्रीन कलर के लीव्स देखने को आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ का डायग्नाइज आपको ये करना है कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट लगे है या नहीं। गर्मियों की सीज़न मतलब माइट्स और थ्रिप्स की सीज़न, माइट्स और थ्रिप्स आपके प्लांट के ऊपर मैक्सिमम लग सकते हैं। तो जब भी आपके प्लांट के लीव्स आपको बर्न होते हुए दिखे, या तो प्लांट के लीव्स के ऊपर आपको वाइट स्पॉट्स देखने को मिले, या तो आपके प्लांट के लीव्स के कलर्स थोड़े से येलोइश डल होने लगे, तब समझ जाइए आपके प्लांट के ऊपर आपको कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स लगे हैं या तो माइट्स लगे हैं। थ्रिप्स लगे होंगे तो बाद में प्लांट के लीव्स कर्ल होना स्टार्ट हो जाएंगे, माइट्स लगे हैं तो बाद में प्लांट के लीव्स के ऊपर आपको रेड स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे, लीव्स के पीछे, लीव्स के ऊपर नहीं, लीव्स के पीछे आपको रेड स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। प्लांट के लीव्स कर्ल होंगे ऊपर की साइड और बाद में प्लांट के लीव्स बर्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी निशानियाँ होती है, तो आपको पेस्ट के रिलेटेड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना होगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड होगा वो है एमिडाक्लोप्रिड, ओमाइट और जो बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अब ओमाइट जो स्पेशली है वो माइट्स के लिए है, जबकि थ्रिप्स और बाकी जो बीमारियां होती है उसके लिए एमिडाक्लोप्रिड सबसे बेस्ट है। एमिडाक्लोप्रिड प्लस बायो इंसेक्टिसाइड दोनों मिक्स करके स्प्रे करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और ओमाइट और बायो इंसेक्टिसाइड भी अगर आप मिक्स करके स्प्रे करोगे तो माइट्स बहुत ही जल्दी भाग जाएंगे। और जब भी आप ये कोई भी इंसेक्टिसाइड या तो फंगीसाइड का स्प्रे करते हो तो हमेशा शाम के वक्त करिए, ठंडे पानी का। तीसरी जो प्रॉब्लम आपकी प्लांट के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, खास करके ये समर सीज़न की मैं बात करता हूँ, वो है वाटरिंग से रिलेटेड। या तो आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो आपका प्लांट लो वाटरिंग से ख़राब हो जाएगा। लो वाटरिंग होगी तो आप पानी डाल दोगे, प्लांट फिर से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग होगी तो बाद में आपके प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
अब जैसे कि समर सीजन में हमें अपने प्लांट के अंदर पानी तो डेली देना है, लेकिन हमेशा वाटरिंग करने से पहले ये चीज़ चेक करिए कि प्लांट के अंदर पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्लांट की सॉइल गीली हो तो बाद में उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर से शाम को आके फ्रेंड्स आपको देख लेना है प्लांट की सॉइल को। अगर प्लांट की सॉइल ड्राई हो चुकी है तो पानी दे दीजिए, अगर प्लांट की सॉइल गीली है तो पानी मत दीजिए। हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ तो पानी मत दीजिए, क्योंकि शाम के वक्त पूरी रात में प्लांट को इतना स्ट्रेस नहीं लगेगा। बाद में फिर से आप नेक्स्ट दिन सुबह आके पानी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप शाम के वक्त नहीं दोगे। तो नेक्स्ट दिन सुबह आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, अच्छी तरह प्लांट को पानी दे दीजिए, अगर आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत है तो। ज़रूरत नहीं है तो पानी मत दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड होती है कि आपने कौन सा पॉटिंग सॉइल सिलेक्ट किया है। आपने कोकोपीट सिलेक्ट किया है, या तो जो रेड सॉइल वाली मिट्टी है, या तो कोई ऐसा पॉटिंग सॉइल सिलेक्ट किया है, या तो कोई ऐसा पॉट सिलेक्ट किया है जिसके अंदर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं हो, पानी का स्टोरेज बना रहता हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो इसीलिए हमेशा वाटरिंग देने से पहले प्लांट की सॉइल चेक कर लीजिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो बाद में आपके प्लांट को बचाना मुश्किल होगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ भी आप कर सकते हो प्लांट के रूट सिस्टम को सेफ रखने के लिए, आप ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिक एसिड का एप्लीकेशन हर हफ्ते एक बार आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर कर सकते हो। इससे प्लांट के रूट सिस्टम सेफ रहेंगे। अब जो चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट ये गर्मियों की सीजन में मर सकता है, वो है सनलाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, सनलाइट। अब मैंने एक बीच में एक वीडियो में बताया था कि जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको सनलाइट चाहिए, और जो इंडोर प्लांट्स हैं उसको सनलाइट नहीं चाहिए, उनको ब्राइटनेस वाला लोकेशन चाहिए, शेडी लोकेशन चाहिए। अब यहाँ पे सनलाइट कौन से प्लांट को कितनी देनी है वो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सनलाइट कोई ऐसे प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट दे दोगे तो बाद में वो फ्लावरिंग्स भी नहीं देगा और उसके लीव्स भी बर्न हो जाएंगे। जैसे कि जेरेनियम जैसा प्लांट है, बाद में जीनियाज होते हैं, ये जो प्लांट होते हैं ये सेमी शेड लोकेशन वाले प्लांट होते हैं, उनको पूरे दिन की सनलाइट नहीं चलती। लेकिन जहाँ तक ये हाइबिस्कस जैसे प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा है कि हाइबिस्कस क्या हम पूरे दिन सनलाइट में रख सकते हैं, मेरे यहाँ पूरे दिन टेम्परेचर अभी 42 डिग्रीज़ के आसपास है, तो बाद में हाइबिस्कस को क्या पूरे दिन सनलाइट देनी है, या तो हम इसको सेमी शेड लोकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी गलतियाँ मत करिए, ये चीज़ समझिए कि हाइबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप पूरे दिन की भी सनलाइट दोगे ये प्लांट सर्वाइव करेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स करेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा पाते तो बाद में आपको ध्यान ये देना है कि वाटरिंग अच्छी तरह से करनी है, सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए। दूसरा ध्यान ये देना है वो है शावरिंग करना। जो प्लांट्स पूरे पूरे दिन सनलाइट में रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, वो प्लांट के ऊपर शावरिंग करना ज़रूरी है दिन में 2 से 3 बार। इससे फ्रेंड्स प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलेगी, प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और वो फ्लावरिंग्स आपको 101% देगा ये गर्मियों की सीज़न में, भले ही आपके यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्रीज क्यों ना हो। और जो भी प्लांट के आसपास जो फ्लोरिंग्स वगैरह होगी वहाँ पे आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, या तो जो जूट की बोरियाँ आती है वो आप बिछा दीजिए और उसके ऊपर पानी का छिड़काव कीजिए, इससे प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलेगी। ह्यूमिडिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके यहाँ प्लांट पूरे दिन ओपन सनलाइट में हो। या तो आपके यहाँ ग्रीन नेट की एडजस्टमेंट हो सकती है तो ग्रीन नेट लगा सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ग्रीन नेट तभी लगानी है जब आपके यहाँ पूरे दिन की सनलाइट आती हो। अगर 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो तो ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्लांट वही सनलाइट में अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम सनलाइट चाहिए, तो कम सनलाइट वाले प्लांट को अगर आप ज़्यादा धूप दोगे तो बाद में वो प्लांट नहीं चल पाएंगे, सनलाइट की वजह से वो बर्न हो जाएंगे। तो कम सनलाइट वाले प्लांट में जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग ग्लोरी है, जीनिया है, बाद में हमारे जो रोजेज हैं, रोजेज भी वैसे पूरे दिन की सनलाइट में टिक पाते हैं, लेकिन अगर आपने ठीक से रोजेज की केयर नहीं की है तो बाद में उसको भी ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में कुछ ऐसे प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोलियस जैसे प्लांट है, कोलियस को भी आप सेमी शेड लोकेशन में रख सकते हो। तो ऐसे कुछ ऐसे प्लांट है फ्रेंड्स जो सेमी शेड लोकेशन में ही अच्छे रहते हैं और उनको पूरे पूरे दिन की सनलाइट नहीं दी जाती। इंडोर प्लांट्स की जहाँ तक बात है उनको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए, उनको हमेशा शेड में ही रखिए। शेड में रखोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है फर्टिलाइजेशन। अब जो जो प्लांट आपके यहाँ फ्लावरिंग्स कर रहे हैं ये गर्मियों की सीज़न में, जो गर्मियों के लिए स्पेशली फ्लावरिंग्स देने के लिए जो प्लांट बने हैं, उनको तो फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो प्लांट आपको फ्लावरिंग्स दे पाएगा।
तो फर्टिलाइज़र अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, 45 के आसपास है, तो बाद में फर्टिलाइज़र का डोज 15-20 दिन में एक बार रखिए, या तो आपके यहाँ टेम्परेचर 35-38 के आसपास हो तो बाद में आप हर 7 दिन या तो 10 दिन के अंतर में प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र्स दे सकते हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स तो रेगुलरली देना है, हफ्ते टू हफ्ते, वीकली बेसिस पे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स आपको काउडंग लिक्विड मिल जाएगा या तो फ्रूट पील्स लिक्विड सबसे बेस्ट रहेगा ये गर्मियों की सीज़न में। इससे प्लांट को स्ट्रेस नहीं लगेगा गर्मियों का। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी ऑर्गेनिक में आप दोगे तो वो फर्टिलाइज़र प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छा असर कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और यही 5 चीज़ों में गड़बड़ी हो गई तो बाद में ये गर्मियों की सीज़न में आपके पौधे मर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।